नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। गुलाम नबी आज़ाद के बाद कांग्रेस को फिर एक बड़ा झटका लगा है। वहां पर जम्मू कश्मीर के 64 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम भी शामिल है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की हालत पस्त हो गई है। एक साथ 64 नेताओं का पार्टी से इस्तीफा देना और उस पर गुलाम नबी आज़ाद का ये कहना कि ये सभी लोग मेरे साथ हैं और ये मेरे सपोर्ट में इन्होंने इस्तीफा दिया है, ये देख के कभी कभी लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। शायद से वो नई कांग्रेस पार्टी भी हो सकती है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का चेहरा आपको देखने को ना मिले, बाकी लोग वही मिले, ये भी हो सकता है। क्योंकि उनके साथ सब लोग आ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी आगे आगे देखते जाइए कि कांग्रेस का क्या हाल होगा। ये सब देख करके लगता है कि कांग्रेस पार्टी के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं और हाल ही में, जैसा कि आप जानते हैं, गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है, साथ छोड़ दिया है। क्षमा करें, अब कांग्रेस को एक और झटका देते हुए उप मुख्यमंत्री ताराचंद सहित जम्मू कश्मीर के 64 नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के सपोर्ट में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ताराचंद के अलावा पूर्व मंत्री माजिद वानी, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, चौधरी घरू राम और पूर्व विधायक ठाकुर बलवान सिंह, पूर्व महासचिव विनोद मिश्रा, कांग्रेस को छोड़ने वाले बड़े हाई प्रोफाइल चेहरे हैं। कांग्रेस ने से इस्तीफा देने वाले इन सभी 64 नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के लीडरशिप में शामिल होने का फैसला किया है और इन सभी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक संयुक्त त्याग पत्र दिया है। देखिए, संयुक्त त्याग पत्र देना बहुत बड़ी बात होती है और उसमें 64 लोग हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद शास्त्री समेत कई बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस्तीफा देने पर गुलाम नबी आज़ाद की जो प्रतिक्रिया आई है, जो उन्होंने पहली बार अपना मुंह खोला है इन इस्तीफों के बाद, उन्होंने ये कहा है कि ये इस्तीफा उन्होंने मेरे लिए दिया है, ये सब मेरे साथ है। कांग्रेस को अभी और कई झटके लगना बाकी है। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने शुक्रवार को, यानी कि इसी शुक्रवार को, कांग्रेस के साथ अपने 5 दशक का जुड़ाव को ख़त्म कर दिया था, अपनी दोस्ती को ख़त्म कर दिया था। उन्होंने पार्टी को व्यापक रूप से नष्ट करार दिया और राहुल गांधी पर इसके पूरे सलाहकार तंत्र को ध्वस्त करने के लिए फटकार लगाई। वे जल्द ही जम्मू कश्मीर से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी शुरू करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने पहले ही दिन मैसेज दे दिया था। और कई पूर्व मंत्रियों और विधायकों सहित एक दर्जन से अधिक प्रमुख कांग्रेस नेता, सैकड़ों पंचायती राज संस्थान के सदस्यों के अलावा नगर निगम के नगर सेवक और जिला और ब्लॉक स्तर के नेता पहले ही आज़ाद की पार्टी में शामिल होने के लिए कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। कांग्रेस की हालत इस समय इतनी खस्ता हो गई है, 17 अक्टूबर को पार्टी के अध्यक्ष का पद का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की जो हालत है काफ़ी ख़राब है। अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस की लुटिया पूरी तरह से डूबती हुई नजर आ रही है। इसको अभी सोनिया गांधी और यूं कहिए कि राहुल गांधी को तो अभी भी लोग ना समझ ही मानते हैं, और बचे सोनिया गांधी। लेकिन इन दोनों के अलावा भी बहुत कहना चाहिए कि जो सीनियर नेता थे, जो सीनियर लीडरशिप थी, वो पार्टी से अलग हो चुकी है। अब पार्टी में अगर सोचें, अगर देखें, तो पार्टी में कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो एक किला बना हुआ था कांग्रेस का, वो धीरे धीरे ढह रहा है। लोग तो यही कह रहे हैं कि ढह चुका है, लेकिन हाँ, अभी कुछ लोग हैं कांग्रेस के साथ, तो देखना ये है कि वो कब पार्टी को छोड़ते हैं और कब वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस साल के शुरुआत में ही कांग्रेस को छोड़ा है। उसी समय
कांग्रेस को अपने उन लोगों से बात करनी चाहिए थी जिन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद के अलावा कपिल सिब्बल वगैरह के नाम भी हैं। तो दोस्तों, आपने आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे सपोर्ट इस तरीके से कीजिए कि आप मेरी पूरी वीडियो देखिए। इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, लाइक करने में मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि कुछ नहीं जाता है, और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें भी आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपको ये फ़ायदा होगा कि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँचेगा। तो दोस्तों, आप अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।